अपनी विभिन्न पहलों द्वारा शिक्षा और सीखने का बदल रही है स्वरूप। आज इसी श्रृंखला में इससे जुड़ने जा रही हैं पांच और महत्वपूर्ण पहल। DPWD के भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC द्वारा छात्रों के भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के 10,000 शब्द किए गए हैं विकसित। इसमें स्कूली शिक्षा स्तर पर यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग UDL के अनुरूप ISL, स्पीच और टेक्स्ट तीनों का समावेश कर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इससे लाभान्वित होंगे श्रवण बाधित शिक्षक समेत 13 लाख विद्यार्थी एवं विषय के रूप में पढ़ाने और सीखने में भी मिलेगी मदद। नई शिक्षा नीति में नेत्रहीन छात्रों के लिए सभी NCERT के पाठ्य पुस्तकों के EPUB संस्करण को टेक्स्ट टू स्पीच के बनाया गया है अनुकूल। इसके अलावा NCERT ने 2000 पाठों पर आधारित ऑडियो भी किए हैं विकसित। ये सभी सामग्री NCERT की वेबसाइट, ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल और मोबाइल ऐप पर भी मौजूद हैं। ये 25 लाख दिव्यांग छात्रों, विशेष रूप से दृष्टि बाधित छात्रों की पढ़ाई के लिए वरदान सिद्ध होगी। NCERT द्वारा शिक्षकों के फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी FLN के लिए खेल, गीत, शिल्प एक्टिविटी और खिलौने आधारित सीखने की प्रक्रिया पर विशेष प्रशिक्षण कोर्स किया गया है विकसित। निष्ठा 3.0 प्रशिक्षण दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन किया जाएगा आयोजित। ये क्षेत्रीय भाषा में भी है उपलब्ध। इस प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 25 लाख शिक्षक और प्रधान शिक्षक होंगे लाभान्वित और उनके शिक्षण कौशल में भी होगी वृद्धि। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाएगा। इसमें कोई भी सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक, सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारी, गृहिणी और कोई अन्य साक्षर व्यक्ति स्वेच्छा से कर सकता है योगदान। नई शिक्षा नीति के अनुसार CBSE केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के लिए स्टैंडर्ड्स सेटिंग अथॉरिटी SSA के रूप में कार्य करेगा। CBSE ने स्कूलों के कामकाज के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक SQAA ढांचा किया है तैयार, जो सेल्फ डिस्क्लोजर आधारित है और पब्लिक डोमेन में रहेगा। 25,606 स्कूल, लगभग 2 करोड़ बच्चे और 10 लाख शिक्षक इसमें शामिल है। नई शिक्षा नीति उस भारत की नींव रखेगी जहां हमारी आने वाली पीढ़ी आसमान छूने के ख्वाब नहीं देखेगी, बल्कि वो अपना आसमान खुद बनाएगी।